जय हिंद दोस्तों। इस समय लोकसभा इलेक्शन 2024 अपनी चरण सीमा पर है और इस समय सभी पार्टियां अपनी सभी पुरानी फेलियर्स को छिपाकर एक अलग तरीके से ध्यान भटकाकर लोगों को या वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों इस समय पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए कोई तो एक तरफ फ्रीबीज ज़्यादा बांटने की बात कर रहा है तो कोई एक अलग तरीके से वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आज हम रूलिंग पार्टी बीजेपी की बात करेंगे और इसके तीन ऐसे इंसिडेंट के बारे में आपको बताएंगे जो कि बीजेपी ने लगभग इग्नोर ही कर दिया, मानो कि बिल्कुल बीजेपी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया हो। दोस्तों इसमें का घोटाला लास्ट वाला तो ऐसा है कि जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे आप कट्टर बीजेपी वाले ही क्यों ना। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। इंसिडेंट नंबर वन, 18 जनवरी सन 2023 को रेसलर्स ने बीजेपी के नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था, जिसको ऐसा लगता है मानो दबा सा दिया गया हो। दोस्तों मई 2023 में मणिपुर में एक निर्वस्त्र औरत को टहलाया गया जो हमारी मानवता को शर्मसार करने वाली है, इस पर भी बीजेपी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इंसिडेंट नंबर दूसरा, सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सरकार से अपनी डिमांड पूरी करने की बात कर रहे हैं। की मांगों में सरकार से बेसिकली तीन डिमांड्स रख रहे हैं। इनमें से पहली डिमांड से वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात कर रहे हैं और वो दूसरी लद्दाख को फुल स्टेटहुड का दर्जा भी मांग रहे हैं और वो संसद में एक और लोकसभा सीट की भी डिमांड रख रहे हैं। दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार ने पिछले लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में भी यह दिया था कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल कर दूंगा, लेकिन सरकार उसे नहीं पूरा कर रही है। दोस्तों यह है इंसिडेंट नंबर 3 जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। यह मैं नहीं कह रहा बल्कि इस समय करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति जी कह रहे हैं। तो इसमें चंदे के रूप में बीजेपी को 6060 करोड़ के बांड मिले तो वहीं टीएमसी को 1609 करोड़ और कांग्रेस को 1421 करोड़ के बांड मिले हैं। दोस्तों इसमें से ज्यादातर बांड्स कंपनियों के द्वारा ही दिए जाते हैं जो कि करोड़ों के बॉन्ड होते हैं। दोस्तों तो आपको लगता होगा कि ये कंपनियां बॉन्ड्स क्यों देती हैं, तो यह एक अलग इशू है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें सच बोलने से दबा ना दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।